शनिवार को ह्यूमन राइट्स डे पर रोहिणी में एक साइकिल रैली निकाली गई। स्माइल फाउंडेशन एनजीओ ने जिम्स कॉलेज के साथ मिलकर ये रैली निकाली। रैली का मकसद था समाज में बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाना। फिल्म आई एम कलाम के हर्ष मैयर और चाइल्ड एक्टर हुसैन साद भी रैली में शामिल हुए। साइक्लोथोन गर्ल चाइल्ड कैंपेन नाम की इस रैली में छात्रों ने साइकिल पर सवार होकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। बेटी भी अपनी है ये नारा लगाते हुए बच्चे रोहिणी सेक्टर 5 से जैपनीज पार्क तक गए। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है और इसी ओकेजन पे हमने स्माइल फाउंडेशन और जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रोहिणी ने मिलकर ये कैंपेन चलाया और जैसा कि आप सुन रहे हैं हम ये कैंपेन में कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को भी अपना समझिए, उनको वो भी ह्यूमंस हैं, वो भी इंसान हैं, उनको भी वही हक दीजिए जो आप अपने बेटों को देते हैं। तो इसी बात पे हो जाए ट्रीट गर्ल्स इक्वली, तो जैसे बॉयज होते वैसे ही गर्ल्स को ट्रीट करें, नहीं तो कहीं पे दुनिया की किसी भी जगह पे कहीं पे गर्ल्स को जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि लड़कियों को मत मारा जाए और उन्हें मारा नहीं जाए। जो हरियाणा में ऐसा केस हुआ है तो उसके ऊपर फिल्म है, उसमें भी मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जन्मदिन